कैनाबीज आपको 10 तरीके से हानि पहुंचाता है, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति का फोन आया, जैसा कि आपको मैंने बोला कि हम ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, लोग ऑनलाइन हमको हमारी अपॉइंटमेंट लेते हैं, कंसल्टेशन करते हैं। उन्होंने बताया कि भाई 28 साल का लड़का है और वो काफ़ी वायलेंट हो जाता है, घर से पैसे चुराता है, 200 से लेके 1000 रुपये रोज उसको लगते हैं, जिसमें उनको डाउट है कि वो कैनाबिस ले रहा है, मैरिजुआना या वीड जिसको बोलते हैं, अलग अलग नाम है। तो ये प्लांट होता है और उसका नशा लोग करते रहते हैं कैनाबिस का, तो उनको ये डाउट है कि वो करता है नहीं, पैसे दिया तो वो बहुत वायलेंट हो जाएगा, आक्रामक हो जाएगा, मारपीट करेगा, और पैसे नहीं तो चुराएगा, डराएगा माँ बाप को, खुदकुशी की धमकी देगा, और फिर पैसे दिए नहीं तो बोले मैं घर से जाऊंगा, या फिर कभी लकड़ी लेके आएंगा मारने के लिए, पैसे देना पड़ता जबरदस्ती। क्या होता है कि कैनाबिस लेने के बाद में एक तो लत लगने का कारण यह है कि कैनाबिस से हेलुसिनेशन होते हैं, लोगों को अच्छा लगता है, उनको ऐसा दिखता है, ऐसे कुछ फिगर्स दिखते हैं, एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि उनको उसमें एक अच्छा लगता है, थोड़ा डोपामिन सिक्रेशन होता है ब्रेन में, तो मजा आता है उनको, एक फील गुड एक एक्सपीरियंस लोगों को आता है। तो इसके अलावा 9 तरह से वो अपने बॉडी को वो डैमेज करता है, नुकसान करता है। तो कौन सा है कि कैनाबिस एक तो अपने जो रक्त खून की जो नलिका है ना उसको डैमेज करता है, रक्त नलिका जो है ब्लड वेसल्स डैमेज करता है। 2, टेस्टिकुलर कैंसर को प्रोन करता है, मतलब ज़्यादा चांसेस है टेस्टिकुलर कैंसर होने के, टेस्टिस के कैंसर होने के। 3, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है याददाश्त उसके ऊपर असर करता है। 4, क्रिएटिविटी जो है नवनिर्माण करने की जो सृजनशीलता या अपनी जो कैपेसिटी है उसको डैमेज करता है क्रिएटिविटी। 5, एक अच्छा फायदा है वो है कि अपने जो बोन्स है हड्डियाँ उसको जुड़ाने में जल्दी, मतलब उसको जुड़ाने में फायदा करता है, जल्दी जुड़ जाती है, ऐसे कुछ स्टडीज बोलते हैं। 6, सोशल डिटेरियरेशन, मतलब आप सोसाइटी में धीरे 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 नीचे नीचे चले जाओगे, आपकी आमदनी कम होती है, पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, संबंध खराब हो जाते हैं, आप अकेले घर में बैठ जाते हैं, तो सोशल आइसोलेशन हो जाता है। तो 7, 3 गुना ज़्यादा ब्लड प्रेशर से मृत्यु हो सकती है यदि आपको कैनाबिस का एडिक्शन है। तो वो 7वां इफेक्ट है। 8वां है अल्जाइमर, मतलब ब्रेन का जो डेमेंशिया है वो होने का चांसेस ज़्यादा है। और 9 जो है वो है ब्रेन वेसल्स, ब्रेन सेल्स जो है, तो ब्रेन सेल्स और ब्रेन वेसल को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ऐसे 9 अलग अलग इफेक्ट ये इसमें मेरे जवाना के होते हैं। अभी क्या है कि ये लड़का आने को तैयार नहीं है। देखो ये सभी जगह यही प्रॉब्लम है कि माँ बाप बड़ा लड़का हो जाता डरते हैं। आजकल क्या है कि बच्चे ऊंचे पूरे रहते हैं, बॉडीली स्ट्रांग स्टाउट रहते हैं, माँ बाप को डराते हैं, माँ बाप अपनी इज्जत के लिए बाहर कुछ बोलते नहीं है, और अंदर ही अंदर डिटेरियरेशन पूरे फैमिली का होते जाता है। पैसे मांग लेते हैं घर में, धूमधाम आक्रामक होना, मारपीट करना, पैसे उड़ाना, दोस्तों के साथ में पैसे उड़ाना, ऐसा करने के बाद में माँ बाप को तकलीफ होती है कि भाई करना क्या है। मैंने उनको ये बोला कि आपको तो उसका इलाज करना पड़ेगा, ये कैनाबिस साइकोसिस के तरफ हो सकता है, कैनाबिस साइकोसिस है ये, कि कैनाबिस के वजह साइकोसिस हो गया, या सिर्फ कैनाबिस का विड्रॉल हो जाता है उसको, तो फिर वो ऐसा वायलेंट हो जाता है उसके वजह से हो सकता है, और फिर उसको डेमेंटिक चेंजेस हुए क्या वो देखना पड़ेगा, मतलब जो डिमेंशिया के चेंजेस है वो उसको हुए क्या कुछ वो देखना पड़ेगा, या ब्रेन डैमेज हो रहा है क्या, हमको उसको जाँच करनी पड़ेगी। और ये लोग इलाज करना नहीं चाहते, उनको तो एक ही चाहिए कि कैनाबिस मैरिजुआना, मतलब उसको वीड भी बोलते हैं, ये चाहिए, तो उसको उनका इलाज तो करना है, आपको उसको पकड़ के लाना पड़ेगा, आपको आप नज़दीक के पुलिस स्टेशन पे जाओ, वहाँ आप उनको इन्फॉर्म करो कि भाई वायलेंट हो रहा है, उसको पकड़ना पड़ेगा, जो भी करना है तो, और उसको इलाज करना पड़ेगा आपको, यदि वो होश में नहीं है तो क्या करेंगे। तो इस तरह का इलाज मैंने उनको सुझाया, तो हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो मगर ये बहुत जगह दिखता है, कैनाबिस का एडिक्शन बहुत लोगों में है, और स्पेशली ये यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा हो रहा है, और माँ बाप सबसे ज़्यादा परेशान है कि अभी ये लड़के का करना क्या, क्योंकि बाहर बोले तो तकलीफ अंदर से ख़त्म होते जा रहे हैं, और एक ही आशा है कि नहीं एक दिन है ना इसकी ये लत छूट जाएंगी, एक दिन अच्छा हो जाएगा, सुधर जाएगा, ऐसा उनको लगता है, मगर बिना इलाज तो सुधरना है नहीं।
तो उसका इलाज करना होगा। ये वीडियो आप ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि लोगों को इसे जानकारी हो जाएंगे भाई इसका इलाज करना जरूरी है। और माँ बाप को एक स्ट्रांग स्टेप उठानी पड़ेगी कि नहीं हमको इलाज करना है, एक स्टैंड लेना पड़ेगा कि हमको इलाज करना है और डॉक्टर की तरफ लेके जाना पड़ेगा। हमने उनको ये भी बोला कि भाई आप बोलो हम आदमी भेज देंगे, आप नज़दीक के पुलिस से इनको इन्फॉर्म करो, मैं आदमी भेजूंगा उसको हम उठा के लाएंगे पुलिस को इन्फॉर्म करके ताकि बाकी आपको लीगली कोई परेशानी होंगी नहीं। तो बोले ठीक है हम करते हैं और हमने उनको ये सलाह दे दिया। थैंक यू वेरी मच।